Hello, how kids? So let's revise Father's Day rhyme. I love my daddy. I love my daddy. I love my daddy. Yes, I do. Here, kiss and hug for you. Thank you, daddy, for all you do. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day, I love you. One more time. I love my daddy. I love my daddy. I love my daddy. Yes, I do. Here, kiss and hug for you. Thank you, daddy, for all you do. Happy Father's Day. Happy Father's Day. हेलो वाओ किड्स, कल हमने पढ़ा था बेसिक नीड्स के बारे में। तो बेसिक नीड्स वो होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी और इनके बिना हम नहीं रह सकते, जैसे कि वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पानी के बिना हम नहीं रह सकते, हमें प्यास लगेगी और हमें पानी भी चाहिए, और पानी बहुत ज़रूरी रहता है जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो पानी हमारी बेसिक नीड है। ऐसे ही हाउस, हाउस में हम रहते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई समर सीज़न है और रेनी सीज़न है तो हमें हाउस में रहना होता है, और अगर हमने स्लीप करना है, रेस्ट करना है, तो वो भी हम अपने हाउस में करते हैं। तो हाउस भी हमारी बेसिक नीड है। ऐसे ही एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर हेल्प अस टू ब्रीथ। तो बिना सांस लिए तो हम रह ही नहीं सकते, तो एयर हमारी बेसिक नीड है। और ऐसे ही फूड, हेल्दी फूड हमारी बेसिक नीड है, तो वो भी हमें चाहिए सर्वाइव होने के लिए, हेल्दी बने रहने के लिए। और क्लोथ्स, क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। हमें अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के क्लोथ्स वियर करते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक नीड्स। इन्हीं के रिलेटेड हम एक एक्टिविटी अब करेंगे। तो अब आप ये देखो, ये एक ट्रेन है, इसमें दो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, एक नीड का और एक वांट का। तो नीड हमने अभी पढ़ा है, वो होती हैं नीड जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और वांट होगी जो हमारी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो नीड में हम सबसे पहले ले रहे हैं एयर को। एयर हमारे लिए कैसे हेल्प करती है, हमारे को हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे लिए वाटर। वाटर हमें ड्रिंक करना होता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से फूड भी हमारी नीड है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और हेल्दी फूड ही हमें हमेशा चॉइस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे लिए हमारा शेल्टर, जो हमें प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट सीजन से, जैसे रेनी हुआ या समर और या बहुत ज़्यादा विंटर। इसी तरह से क्लोथ भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन से प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को। मगर वांट में क्या जाएगा? वांट में जाएगा जैसे कि कैंडी। तो कैंडी अगर हमें नहीं भी मिलेगी तो भी हम सर्वाइव कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हमारे लिए जो आइसक्रीम है वो भी हमारी एक वांट होती है, हमारी डिज़ायर होती है, पर हमारी बेसिक नीड नहीं होती है। इन दोनों के बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, मगर वाटर, हमारा हाउस, क्लोथ्स और फूड और एयर, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते।